मेले में 3 दिवसीय मेला लगा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा बताएं। वाइब्रंट इंडिया संस्था के माध्यम से प्रगति मैदान में हॉल नंबर 2 में जिस प्रकार के स्टॉल्स लगे हैं, जो प्रदर्शनी यहाँ पर है, जो लोगों को यहाँ पर एक्सपोजर दिया जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ लोग इतने खुश हैं। अपने छोटे छोटे उद्योगों से तरक्की कर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, इसका परिणाम लोगों के चेहरे पर दिख रहा है। नए नए उद्योजक यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे देश के लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए उद्योजकों को विजिट करने के लिए, नए उद्योगों को प्रमोट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। बहुत ही अच्छा उपक्रम वाइब्रेंट इंडिया के माध्यम से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे उपक्रमों से काम करने वालों को प्रेरणा मिलती है और लोगों की तरक्की होती है। अभी आपने कुछ स्टॉलों का अवलोकन किया, कुछ क्या लगा उनकी बातों से, कुछ आपने? सब लोगों ने जो संतुष्टि जताई है इस सरकार के माध्यम से, जो जो फैसिलिटी दी जा रही है, लोन्स मिलने में सुविधा हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है देश का, इसके बारे में सब लोग खुश है। और देश तरक्की तब करता है जब देश के उद्योजक आगे जाते हैं। उद्योजक जब तब आगे जाते हैं जब कंजम्पशन बढ़ता है, और उद्योजकों की तरक्की, कंजम्पशन की तरक्की और GST का बढ़ने के कारण देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और देश तरक्की कर रहा है। सरकार इन छोटे उद्योगों के लिए किस तरीके से विकास? नरेंद्र मोदी जी की विशेष दृष्टि रही है, जब वो गुजरात के CM थे तब भी और आज देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी, छोटे मिडिल स्केल उद्योगों को प्रमोट करने का उनका पॉलिसी रहा है। इन सब लोगों की चिंता वो करते हैं, और एक संवेदनशील नेतृत्व जब देश में काम करता है तो क्या परिवर्तन आता है, ये छोटे उद्योगों की तरक्की से मैं देख रहा हूँ। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो देश में 350 स्टार्टअप चल रहे थे, आज 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप आज देश में चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। यही इसलिए, और अलग कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छा काम है। सरकार, ये सरकार कोई रिजिड सरकार नहीं है, ये फ्लेक्सिबल सरकार है। समय समय की स्थितियों का जायजा लेकर किस बातों का आलोकन करना चाहिए। अभी सरकार ने एक व्यापारी मंडल स्थापित किया है पूरे देश के स्तर पर, उसका रचना पूरे जिला स्तर पर होने वाली है। लोगों को उद्योगों में जो आने वाली दिक्कत है उसका जायजा लेकर उसमें क्या क्या कर सकते हैं, ये सरकार सोचती है। यमुना के स्तर के कारण बहुत से बाहर के जो उद्योग है उनको भारी नुकसान हुआ है, ऐसा है ना? ये अभी मैं गुजरात से आ रहा हूँ, गुजरात साइक्लोन से बाहर आया है, मैंने पहली बार देखा एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई, 1,00,000 से ज़्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया। सुनामी की तुलना मेरे मन में आ रही है, सुनामी के समय कितनी बड़ी क्षति हमारे देश की हुई, उसकी तुलना में गुजरात बच गया। ये प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल, ये नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, और इन सब बातों में जो उनका सेंसेशन है, आज भी उत्तराखंड और हिमाचल से हर रोज़ प्रधानमंत्री बात कर रहे, विदेश में होते हुए भी दिल्ली के LG से बात कर रहे, और दिल्ली में भी जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, सरकार की यंत्रणा, केंद्र सरकार की सब संस्थाएं काम कर रही है, इसलिए नुकसान की हमारी क्षति कम से कम हो रही है। किस तरीके से देखते हैं जो पूरा दिल्ली बाढ़ के चपेट में, आसपास के इलाके भी बाढ़ से डूब चुके हैं, जितना क्षति हुआ उसकी किस तरीके से पूर्ति होगी, सरकार की क्या योजनाएं हैं इन सबको लेकर? ऐसे नेशनल कैलेमिटी जब आती है, स्थितियों को जायजा लेकर उस पर तुरंत एक्शन लेना, ये मोदी सरकार की विशेषता रही है। फिर वो उत्तराखंड की आपदा हो, हिमाचल का बाढ़ हो, बिहार की बाढ़ हो, या जम्मू कश्मीर में भी जो समस्या आई है, तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के विषय में सब लोग, पूरे देश का ध्यान दिल्ली पर रहता है, और प्रधानमंत्री बहुत सेंसिटिव है। LG खुद मैंने कल देखा, मैं जब जमुना पार गया था सब मदद कार्यों में पार्टिसिपेट होने के लिए, तो वहाँ खुद रास्ते पर LG खड़े होकर इस सब यंत्रणा का नेतृत्व कर रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, कहेंगे आयोजक सर, आप ही बोलिए, मैं तो बोल दूंगा। आज से 3 दिवसीय ये वाइब्रेंट इंडिया के माध्यम से ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर लग रही है, मैं यहाँ पर क्रॉसवेयर के स्टॉल के सामने खड़ा हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ केसवेयर के स्टॉल के सामने मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक जनरेशन ने शुरू किया हुआ उद्योग दूसरी जनरेशन में कैसे प्रभावित होता है, कैसे तरक्की करता है, और सरकार की फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुँचने का एक अच्छा जरिया सरकार के माध्यम से मिल रहा है। इस प्रगति मैदान में जो जो स्टॉल लगे हैं, सब खुश है, संतुष्ट है, और अपने व्यवसाय में तरक्की करने में सरकार ने बहुत अच्छी मदद की है, ऐसी सबकी भावना है। सब उद्योजकों को उनके काम में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो इस बार कितने एग्जीबिटर इसमें भाग ले रहे हैं इस 3 दिवसीय?
इस बार है ना 150 से ऊपर जैसे एग्जीबिटर हैं जो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, पूरे भारतवर्ष से आए और यहाँ पे अपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष से व्यापारी है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, हर प्रकार का आदमी आ रहा है, जो व्यापार की वृद्धि के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा है। तो बढ़िया है एग्जीबिशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, बस यही शुभकामना है। तो ये किचन वेयर के ऊपर कब से लगाते आ रहे हैं? ये 2015 से किचन वेयर एग्जीबिशन हो रहा है, 2015 से हर साल प्रगति मैदान नई दिल्ली लग रहा है। पब्लिक के लिए क्या बेनिफिट होने वाला है? पब्लिक को यहाँ नए नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, नए नए इनोवेशन देखने को मिलेंगे और घरों में नई नई चीज़ें लोगों को लगाने का मौका मिलेगा, ये बहुत अपने आप में अंदर है। प्राइस के मामले में क्या रहेगा? प्राइस बहुत कम्पिटिटिव है और बहुत अच्छे अच्छे रेट्स में फूड ग्रेड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा।